मुझे लग रहा है ना केस कराना ही ठीक है, शायद मेरा डिप्रेशन कम हो जाए और मैं केस कराऊंगी, दोनों के लिए कराऊंगी। मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी वर्षा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही मज़ेदार वीडियो, जिसमें आज मैं रिवेंज लेने वाली हूं पिया चौधरी के ऊपर, जो लास्ट वीडियो में मैंने किया था मनीष के साथ। तो गाइस, मेरा और मनीष का जो मैटर था थप्पड़ वाला, वो सॉर्ट आउट हो गया है। आप लोगों ने बोला कि सॉरी मांगा, मैंने बहुत बार सॉरी मांगा उनको और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। तो गाइस, ये वाली वीडियो आप लास्ट तक देखना, मिस ना करें बिल्कुल भी। मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो गाइस, करते हैं आज पिया को कॉल और इसकी ना अच्छे से लेते हैं आज, मतलब भरी बांध देते हैं उसकी लैंग्वेज में। हेलो, हाँ हो गया तेरा शूट? हाँ तो आ जाना पार्किंग में, चलना नहीं है? ठीक है, आ जाओ। अरे यार यार, हो गया तेरा शूट? हाँ शूट तो हो गया, तेरे को करना है? मेरा कौन करा रहा है यार? मनीष है तो? सही कह रही है, मनीष है तो। तेरा भी देख लिया और उनका भी देख लिया, दोनों को अपने से मतलब है, किसी का कुछ भी हो कोई मतलब। मेरी माँ चैनल जब से अभी तक सारे शूट तो करा ही रहा है वो। क्या शूट करा दिए? जब से ये वाली चीज हुई है थप्पड़ मारने वाली, कब से क्या कितने शूट करा दिए मेरे, लेके आए हैं यहाँ पे और बोलते हैं कैब से चली जाओ, तुम्हारा कोई कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तुम सोच के क्यों नहीं आई हो, कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। अभी पता है क्या बोला तो मेरा एक तो खुद ही लाना पड़ता है ना, कंटेंट लेकर आएगी उस लोगों को कुछ इनोवेट कर। चल ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मैंने अभी दो कंटेंट बताए, ये बेकार है बिल्कुल, चलेंगे नहीं। क्या कंटेंट है? मैंने बोला यहाँ पे पब्लिक आ रही है, बोलते हैं कि नहीं पता नहीं क्या क्या रीज़न क्या दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पब्लिक आ रही है, तुम ये कंटेंट करोगे, ये ही मिला है तुम्हें करने को, अब मैं क्या करूँ? और तूने एक बात बता, तूने बोला था कि तू उससे बात करेगी। हाँ तो मैंने बात की थी उसने शूट के बाद भी, मैंने उससे बात की थी। कब की थी बात? मुझसे ना मेरी बात से तेरे सामने मैं उससे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तेरे सामने नहीं की। जब तू चली गई थी ना वहाँ से, मनीष वहीं था मेरे साथ में, मुझे छोड़ने जब जा रहा था, तो मैंने उससे कार में उस टाइम पे बात की थी तेरे लिए। तो उसने बोला कि अभी तू इस बारे में मुझसे जिक्र मत कर, मेरा कुछ दिन में गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा, अगर तू फालतू में इंटरप्ट करेगी तो गुस्सा मैं तुझ पे भी। एक बात बता, 5-6 दिन हो गए, गुस्सा कब शांत होगा? ऐसे तो बढ़ेगा ही, ऐसे तो मेरे चैनल को भूलते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यार मैंने उससे बात की तो है, अब वो बोल रहा है कि कुछ दिन में उसका गुस्सा बोल रहा है धारा वो बोल रहा है कि उसका गुस्सा कुछ दिन में ना खुद ही शांत हो जाएगा, तो थोड़ा सा तो वेट कर ले यार। यार कब होगा? मेरे चैनल का तो लॉस हो रहा है ना। और एक बात यार, वीडियोस तो तेरी रोज आ रही है, रोज आ रही है यार। अब मेरे पास जो पुरानी वाली वीडियोस थी ना वो डल रही है, ठीक है, अब मेरे पास एक भी वीडियो नहीं है, मैं क्या करूं? तेरा शूट कराने तो गया था ना साथ में, कराए तो थे तेरे, दो शूट हुए गए थे साथ में, कन्नू थी साथ में, इसलिए कन्नू से ही बात कर रहे थे, कन्नू का शूट कराया, मेरा कुछ नहीं कराया, मैं कैमरामैन से कह रही हूं यार। बोला दो शूट करा के आया तेरा, कन्नू के साथ ही थे। मेरी बात समझ में नहीं आती, जब हमारी ये बात हो चुकी है कि तू सॉल्व करा रही है, तू सामने मेरे सामने बात क्यों नहीं कराती है? तेरे सामने बात करानी मैं अभी बुला के बात करा सकती हूँ, लेकिन उसने मुझे क्लियर वर्ड्स में ये चीज बोली है कि पिया मेरी बात सुन ले, अभी तू मुझसे 3-4 दिन प्लीज इसके बारे में कुछ भी डिस्कस मत कर, अदरवाइज जो मुझे गुस्सा तेरे लिए मतलब तेरे लिए जो आया हुआ है वो मेरे ऊपर फूट जाएगा। घर जाके उसने मुझसे बोला, तो जब मैं घर जाती हूँ, अभी क्या हो रहा है, सुबह से मैं यहाँ 11 बजे से खड़ी हूँ, ठीक है, फिर अभी 4 बजे, हाँ 4 बजने वाले हैं, अभी बोलते हैं कि घर चली जाओ। सुबह आई क्यों मैं? अपने घर से पूरा टाइम दे रही हूँ यहाँ पे, या तो बोल दे कि तुम घर पे ही बैठो, तुम जो तुम्हें करना है वो करो, अलग मेरे को क्यों फिर यहाँ पे लेके आ रहे हो? यार घर जाती हूँ, मेरी मम्मी पूछती है क्या क्या किया तूने, बोलो एक भी शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे गई थी
एक सेकंड रुक जा, पहले मेरी बात सुन ले। घर पे जाके मैं रोती हूँ पूरी रात। मेरी बात सुन। रात मेरी मम्मी आई थी, बोल रही थी तुझे हुआ क्या है, ना किसी से बोल रही है, ना घर आके तू खाना खाती है, कुछ भी नहीं। अब मेरी बात सुन। पता है मैं कितनी यार डिप्रेशन में हूँ। मेरी बात सुन। द थिंग इज वो चीजें ठीक है, अगर तेरी और उसकी पर्सनली कोई लड़ाई है ना तो मेरी बात तो सुन ले। आई नो उसका रीजन मैं और विक्की भैया है और भी लोग थे उसमें, बट यार तुम दोनों ने ना इतनी एक प्रैंक के चक्कर में ना मेरी पहले सुन ले एक प्रैंक के चक्कर में ना तुमने दोनों ने मेरी लाइफ खराब कर दी। इतने चीप वर्ड्स बोले उन्होंने और तू भी मिल गई। मेरी बात तो सुन ले। अगर तू उस दिन उन्होंने विक्की भैया ने मुझसे ये बोला था पिया बहन मेरी हेल्प कर दे, इसलिए मैं वीडियो में आई थी, अदरवाइज मैं वीडियो में आ भी नहीं रही थी। उन्होंने बोला कि ये बहन मतलब बहन नहीं है कि मतलब बहन वाला वास्ता देके मुझे वीडियो में लिया कि तुझे मेरी कसम है तुझे थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर तू उस दिन नहीं रोती ना और ये सारी बातें नहीं कहती कि वर्षा तुझे भी यूज करेगा ये करेगा, सच में ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान रही थी। मुझे समझ आती है। एक होता है मजाक यार, ये मजाक बिल्कुल था ही नहीं, कोई प्रैंक नहीं होता है। दो दिन उसने बात नहीं की ना यार। तुझे एक बात बता, तुझे समझ में आता है किसी सीनियर को थप्पड़ मारना जो तुम्हारी स्टार्टिंग से हेल्प कर रहा हो? और मैं सबके सामने थप्पड़ मार दूं? मैंने राहुल भैया के सामने थप्पड़ मारा है? वो अंडरस्टूड, मैं चीजें समझ गई हूं। मेरी बात तो सुन ले, मुझे सिर्फ दो दिन इस बात पे ना दो दिन अगर उसने इस बात पे अभी मैं विक्की भैया के पास गई थी, वो क्या कह रहे हैं यार तुम अपना देखो, इस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे, तो गलत बात है यार। ऑब्वियसली बात है कि उनकी वजह से और जो भी और तूने कोई सॉर्ट आउट नहीं किया है यार। मेरे को लग रहा है तुम लोग अपना ही देख रहे हो, मेरा कोई नहीं सोच रहा है मैं क्या करूं जाके। और देख मैंने डिप्रेशन में कुछ कर लिया ना, फालतू की बात मत कर ठीक है ना। डिप्रेशन में कुछ कर लिया तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम दोनों के ऊपर आएगा। मैं विक्की भैया और तेरे ऊपर ना केस कर दूंगी अगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी यार तुझे पता नहीं है मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। मेरा भी करियर सही मतलब अभी स्टार्ट किया है मैंने करियर, और वो बोल रहे हैं कि मैं मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं निकालने वाली कि मैं खुद ही छोड़ के चली जाऊं। बात कर रही हूं मैं उससे, किस तरीके से भी बात करूं मेरे ऊपर है। मैं मनीष से बात करती हूं आज रात तक, अगर उसने बात नहीं की तुझसे, तूने अब तक बात क्यों नहीं की? सुन मैंने उससे बात तक की है जिस दिन मैंने उस दिन हमारा शूट हुआ था, जिस दिन मैंने तुझसे बोला था वीडियो में आने के लिए, सेम डे ही वीडियो के बाद जब वो मुझे छोड़ने जा रहा था मैंने उस दिन बात की थी। उसने क्लियर वर्ड्स में ये बोला कि मुझसे दो चार दिन बस बात मत कर इस बारे में, उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ है मुझे सिर्फ आज शाम तक का टाइम दे, शाम में मैं उससे बात करती हूँ और उसे मैं लास्ट वार्निंग दे दूंगी, या तो तू वर्षा से नॉर्मली बात कर ले, उस चीज को समझ जा कि वो मजाक था, अदरवाइज मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैं ये चीज क्लियर। उस दिन क्या बोला था जब तूने वीडियो कराई? तूने क्या बोला? मैं आज ही बात करूंगी, मैं कल तक सॉर्ट आउट कराऊंगी। कुछ नहीं हुआ, ऊपर से बोलते हैं दिया था, मैं क्या करती है? ऊपर से बोलते हैं मुझे तुम्हारा नहीं पता, तुम अपना देखो, मेरे भरोसे मत रहो। वो भी कन्नू से बुलवाते हैं कि तुझे उसकी लगी है, मेरे डिप्रेशन की कुछ नहीं लगी है। प्यारा डॉगी है, क्या हो गया? मैं खिला नहीं रही उसको, नॉर्मली बुलाया मैंने। मैं बोल रही हूँ मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, आज शाम में बात करती हूँ ना मैं, जब मैं बोल रही हूँ पक्का आज शाम तक अगर उसने तुझसे बात नहीं की ना मैं उससे बात करना बंद कर दूँगी। आज शाम तक कुछ भी नहीं हुआ ना, मैं तुम हाँ ठीक है तेरे और विक्की भैया के नाम पे ना मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं ठीक है तुझे उसके बाद जो करना है तू कर लियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। मुझे लग नहीं रहा है, तूने उस दिन भी बोला था कुछ नहीं हुआ, और मुझे लग रहा है ना केस कराने ही ठीक है, शायद मेरा डिप्रेशन कम हो जाए और मैं केस कराऊंगी, दोनों के लिए कराऊंगी। मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। सुन मैंने आज शाम तक का टाइम मैंने ना यहाँ पर सबका नेचर देख लिया है। अगर सुन अगर आज तक मैंने देख मेरी किसी से बात नहीं होती, एक से ही बात होती थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गए थे वो ठीक है, अब नहीं है। चलो मुझे एक बात बता, सारी चीजें खत्म कर दिया मुझे कि मैं थप्पड़ मारने पे आ गई। अगर मैं कुछ और कर देती या कुछ भी मार देती मर्डर हो जाता उनका, क्या क्या कर लेते? मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं हुई थी कि तू कुछ इतना उल्टा सीधा कर देती, ऑब्वियसली बात है हम तेरे साथ ही आराम से होती। थप्पड़ तू छोटी बात समझ रही है? आराम से कुछ भी हो जाता। क्या बोला मुझे आज शाम तक? नहीं तुम लोग मजे में थे, मैं कुछ भी कर देती, अब मेरी लाइफ क्या हो रही है? शाम तक वो तुझसे बात कर नहीं करेगा, अगर करनी होती तभी कर लेते।
और ये ना पुलिस केस होगा तुम लोगों के ऊपर कि कुछ भी हो सकता था। किसी को इतना भड़काना नहीं चाहिए किसी के बारे में कि वो जाके कुछ भी कर दे। आया समझ में? वर्षा मैंने शाम तक के लिए बोला ना कि वो शाम तक तुझसे बात कर ले। केस तो होगा, थोड़ा सा केस होगा। मत हो इतना हाइपर, मत हो। मुझे, मैं सिर्फ शाम तक। तब कम नहीं था, तब कम नहीं था, लेगा तो तब कम नहीं था। ओह नो, आया बात, आई बात समझ में? जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो वो कोई तुझसे नाराज वाराज नहीं है। मेरी बात सुन ले, वो कोई तुझसे नाराज नहीं है। तो उस पर प्रैंक कर रहा था। और क्या प्रैंक कर रहा था? वो इग्नोरिंग प्रैंक कर रहा था। उससे मेरी बात उसी दिन हो गई थी जिस दिन लास्ट प्रैंक वो वाला था ना, हमने बड्डी बब्ली के लिए जो किया था जिसमें तेरी हेल्प मांगी थी। उस दिन वो जब गया है ना, उठ के था, मुझे कान में बोल के गया था वो कि वो तुझ पे प्रैंक कर रहा है, इस वजह से मैंने तुझे बताया भी नहीं। और मेरी कोई बात नहीं थी, सिचुएशन मजाक करने के लिए बोल रही है ना। वो मजाक कर रहा था, फोन करके पूछ ले। फोन करके पूछ ले, पूछ ले। चल वो मजाक कर रहा था तो मैं भी तो मजाक कर रही थी। मैं कौन सा केस करने जा रही थी? नाइस, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। वो मजाक कर रहा था, तू मजाक कर रही थी, ये सही हो गया। हाँ और क्या, मैं कर देती केस। वैसे करना चाहिए मुझे। अच्छा सच्ची में तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चलो वो तो अच्छा नहीं हुआ, वो तो इंसान, चलो वो तो थोड़े इंसान अच्छे हैं, उन्होंने अपने दिल पे नहीं लिया। पता है यहाँ हर किसी को पता है, अगर बाय चांस सोचिए सबके सामने थप्पड़ मार दिया यार। मेरी जान मेरी बात तो सुन, अगर बाय चांस ऐसी प्रैंक में, वैसे तो मैं नहीं चाहती लग जाए, अगर कोई प्रैंक हो जाता है, अगर कोई बड़ा हो, मेरी बात तो सुन ले, अगर कोई बड़ा हो जाके राहुल को भी थप्पड़ मार दे तो वो भी माफ कर देगा क्योंकि वो प्रैंक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबको पता है प्रैंक में, यहाँ पे सब जायज है। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट अपनी टीम में सब जायज है, ठीक है। तो तुझे कोई गुस्सा नहीं, तुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैमरा तो बता दे मैंने कहाँ लगा है। इतना नहीं ढूंढने, मुझे भी अपना शूट खत्म करना है। नहीं मेरा तो हो गया, तेरा वाला खत्म करना है ना। हाँ, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया है, क्योंकि मैं अपना प्रमोशन गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्यारी वर्षा को अभी जाके सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।